के ऊपर भारी भरकम शॉट्स पड़ रहे। कोबरा अभी बाहर निकलने ही वाले थे कि ह्यूमनाइट दूसरे छोर से, एंड इट्स लाइक अ ट्राइफेक्टा राइट, एक दूसरे को डैमेज ही करे जा रहे हैं। हैक्वनॉक्स आए थे सकते हैं, बट आई थिंक निंजा का जो अप्रोच रह रहा है, जो रवैया है, कुछ अलग ही है। बट उससे पहले इस बार तुषार दो प्लेयर्स को जान एक और नेट के साथ पुश करेंगे, शायद का जो नॉक है वो कंफर्म करना चाहेंगे। उसके बाद ह्यूमनॉइड के ऊपर भी पुश आएगा, ह्यूमनॉइड भी कोशिश कर रहे हैं रिटेलिएट करने की, बट ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। ये देखिए तुषार भी बिग ब्रदर थोड़ी सी परेशानियों के साथ जुलझते हुए, योद्धा अभी जाएंगे इंस्टेंटली वहाँ पे। ये जो फिलहाल के रिथ्वी को देखिए छिपे हुए हैं, अपना पोजिशन फाइनली रिवील किया, ओकाय को नॉक ही किया उसके साथ। बट अभी जो चेंजेस हुए हैं टीम में, तो नई टीम है, नई रोस्टर है, देखते हैं क्या एक बिगर पिक्चर की तरफ नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे कूदे जरूर थे, शॉट्स लेने का पूरा प्रयास, Lord Gein falls down. Now it all comes down to only one man. कितनी देर तक Hector survive कर सकते हैं? अब देखिए Hector और निश्चिंत भी रह सकते हो। अब देखिए players के साथ push कर रहे हैं और इसी के साथ finish भी करेंगे। और TSM तो देखिए उनके पास सबसे ज़्यादा heal यहाँ पर होगी, and then he can just opt for the backup plan. But Rahul क्या? उन्हें भी सूंघ लिया है, and Rahul की spray pattern बहुत ही बेहतरीन रही है, and चर्चा कर ही रहे थे, इन्होंने दिखा भी दिया है और नॉक भी निकाल लिया। इस करने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकफुट भी आ चुके हैं। चारों तरफ यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं से हर तरफ फाइट सी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए घोस्ट ही वहाँ पे, एंड हैदराबाद हैदराबाद की ये जो यू नो रणनीति है काफी फूल प्रूफ है राइट। हेक्टर ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना दिया कि मिथ को ढूंढना है, बट उसके पहले ही यहाँ पे उनको फिनिश कर दिया। बट टीम एक्सपार इनके जलवे अभी भी बुलंद चल रहे हैं, एंड बात ही कर रहे थे HH. अब इनमें से सोचो ये इन्होंने प्लान भी चालू कर दिया होगा, यू नेवर नो, ये हील बैटल की तरफ बढ़ सकते हैं। बट वहीं पे नेमलेस थे ऊपर धकल, वो कहां से डैमेज खाते हुए आए, डैमेज देने की कोशिश करेगा बट काफी ज्यादा ओपन टुवर्ड्स द एंड उन्होंने पेस बहुत अच्छा कंट्रोल किया उस फाइट तक, कि थोड़ा सा स्टेबलाइज किया। कोई गलती करने पे मजबूरी करने पे जरूर ला देगा, बट फाइनली यहां पे स्पॉट हो जाएंगे बेचारे, उतरेंगे एजे और उनको ग्लोबल फीसपोर्ट फिर भी हार जाते, देन इट विल बी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स फॉल्ट। बट यहां पर देखिए जोन से बात होती है, फिर आराम से आप यू नो जो भी करना है कीजिए। साइड ऑफ पनिशर एंड राहुल भी यहां पे धराशायी हो चुके हैं, बट ऑन द अदर साइड 47 यहां पे पिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सपा के प्लस एंड ह्यूमनॉइड यहां पे नॉक होते हुए दिखाई देंगे। बट कम होगा ये अपने ओपोनेंट को यहां पर फिनिश कर सके इंस्टेंटली। ओ एक काफी अच्छा ड्रॉप प्लेस के सामने केम इन ईस्पोर्ट्स, बहुत ऑफुल सिचुएशन में यहां पर फंसती बिकॉज़ रेवेनेंट ने यहां पर उनका चक्का जाम कर दिया गया है, बिकॉज जब रोटेट कर रही थी उन्होंने उनके गेट कीप सिचुएशन में फंसा दिया जा चुका है। यप दैट वुड हैपन हाईजैक पिक इन जोन 2। अब इनको टिल द एंड द सेकंड पोजीशन सिक्योर, टोटल 12 प्लेसमेंट जाते जाते ही इमोट करके गए एंड बिग से पहले उनका गेम से बाहर होना कंफर्म हो जाएगा। यहां पर उन्होंने स्पॉट करा, यहां पे ले, यस इट इज, एंड ही खेलते हुए हमको नजर आया फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। बट लुक एट दिस ड्राइव बाय नजरों के आगे और एजे होते हुए इसका शिकार, ये चीज अच्छी है। देखो व्हेन यू नो दैट कि आप वहां पे डैमेज नहीं दे सकते, बट क्ली लॉब नेट और ज्यादा नॉक्स और फिनिशेस दिला सकता है, सिक्योर्स वन विद हिज वेपन। एक फिनिश सिक्योर किया नेट के साथ, डैमेज डील किया था नॉक्ड आउट प्लेयर को, एंड ही इवेंचुअली काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर हमको गॉड्स रेन अब ऑल ऑफ अ सडन नजर आती है। कोबरा नॉक्ड आउट है, ही गेट्स फिनिश्ड, रेक्स इज ऑन हिज नीज एज वेल। गोष्ठी की तरफ से बहुत ही बेहतरीन रेविडेंट तुषार ने जो हमारे ग्लोबल स्पोर्ट के आज है उनका सफर खत्म करा, एंड रिथ्वी काफी ज्यादा दूर थे, वो ब्लू जोन से डैमेज, स्टिल रेविडेंट इज नॉट एबल टू वेल कैच दिस फिश। फाइनली नेट के साथ फिशिंग विद डायनामाइट, काइंड ऑफ इलीगल बट